इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करेंगे। जब भी हम अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं यानी DL बनवाते हैं तो उससे पहले हमारे लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। लर्निंग लाइसेंस कैसे बनवा सकते हैं उस पर एक हमारी बेसिक वीडियो है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस वीडियो को जाकर जरूर देखना, कमेंट करके देना वह वीडियो कैसी लगी। लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए आप दो तरीके से बनवा सकते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट RTO ऑफिस जाकर या खुद से ही अपना अप्लाई कर सकते हैं। उसका मैंने एक कंप्लीट वीडियो बता रखा हो वीडियो में, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करते हैं। जब आपका लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट होता है तो उसके लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड किस तरीके से करेंगे इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। कमेंट करते रहना डाउनलोड करने का ये प्रोसेस कैसे लगा। इसी तरह की नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। ताकि लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाली वेबसाइट पर आना होगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा लर्निंग लाइसेंस, इस पर क्लिक करेंगे। मोर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट स्टेट नेम। अब अपनी राज्य का नाम सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कहीं भी एक ऑप्शन नहीं मिलेगा कि लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड कैसे करें। तब आपको ऑप्शन मिलेगा लर्निंग मेन्यू का, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप एक आपको ऑप्शन मिलेगा लर्निंग मेन्यू, इस पर आप क्लिक करेंगे। तब आप ऊपर की तरफ करेंगे तो यहाँ पर आपको कई सारे यहाँ पर और भी अपडेटेड मिल जाएंगे। लेकिन हमें डाउनलोड लर्निंग लाइसेंस करना है, इसलिए लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप लर्निंग लाइसेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तब आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रिंट लर्निंग लाइसेंस फॉर्म 3, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई देगा। प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे अब आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे, नंबर डाल सकते हैं, लर्निंग नंबर डाल सकते हैं या मोबाइल नंबर डाल सकते हैं जो आपने अप्लाई करते वक्त सबमिट किया। अप्लाई करते हैं तो आपको इस तरह का एक अपॉइंटमेंट नंबर मिला होगा। आपको एक स्लिप मिली होगी प्रिंट करने को, उस पर आपका अपॉइंटमेंट नंबर लिखा होता है। अपॉइंटमेंट नंबर डालकर डेट ऑफ बर्थ डालकर अपनी उसके सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे सबमिट बटन पर तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। ओके वाले बटन पर क्लिक करेंगे आप। देखिए हमारा OTP आ चुका है। OTP डालकर यहाँ पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपना OTP सबमिट कर देंगे आपका यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, पूरा देख सकते हैं। यहाँ पर आपका इस तरह का यूजर फेस शो होगा, इस तरह का आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आपका लर्निंग लाइसेंस कम्प्लीट दिखाई देगा। तो ये आपका लर्निंग लाइसेंस था, इस तरीके से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने का प्रोसेस कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। मन में कोई डाउट हो नीचे कमेंट करिए। अब आप DL के लिए कैसे अप्लाई करेंगे इसकी हम वीडियो एक अलग से कंप्लीट वीडियो लाएंगे। ये आपका 6 महीने के लिए बिल्कुल वैलिड है। जब आपका लर्निंग लाइसेंस कंप्लीट हो जाता है तो उसके 1 मंथ बाद आपको DL के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आप कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसे लगा DL से रिलेटेड इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए, नई नई अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।